आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर परिजनों की शिकायत पर आजाद नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वायरल वीडियो आजाद नगर थाना क्षेत्र के विकास नगर का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग एक बुजुर्ग महिला की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। जी हां, आजाद नगर थाना क्षेत्र के विकास नगर में बदमाश सिकंदर और उसके परिवार ने काफी आतंक मचा रखा है। यहां तक उस परिवार के डर से दूसरे परिवार की महिलाओं का बाहर निकलना तक बंद हो गया है। कुछ दिन पूर्व ही सिकंदर साहू के परिवार ने पड़ोस में रहने वाली टीना नामक महिला की पिटाई कर दी। पिटाई होती देख उसकी बुजुर्ग महिला उसे बचाने आई तो साहू परिवार के दोनों लड़के और लड़कियों ने भी उसे घायल कर दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरी कॉलोनी की महिलाओं ने जाकर थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद थाना प्रभारी ने साहू परिवार के चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है, लेकिन देखना ही होगा कि कॉलोनी के लोगों को कब तक सिकंदर साहू के आतंक से छुटकारा मिल पाता है। सर, उनके आरोप है कि लंबे समय पहले विवाद जो हुआ था, लेकिन उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको लेकर उनको धमकियां भी मिल रही है, तो क्या पूरा मामला है? ये पिछले 3-4-5 दिन पहले एक संज्ञान में आया था कि एक महिला, बूढ़ी महिला के साथ मारपीट की गई है। विकास नगर पवनपुरी साइड का एक मैटर है, जिसमें सिकंदर नामक एक व्यक्ति है, उनके पत्नी के द्वारा उनके दोनों लड़कों और उनकी दोनों लड़कियों के द्वारा मोहल्ले की महिलाओं को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। जिस संबंध में 4-5 दिन पहले मारपीट हुई थी, एक वृद्धा को के साथ मारपीट हुई थी, तो उसमें अपन ने केस रजिस्टर कर लिया था मारपीट का। और आज मोहल्ले की सामूहिक महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा काफ़ी उन्हें परेशान किया जा रहा है। जिस संबंध में आवेदन दिया, इसमें मौके से जाँच की जा करके और कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए थे मारपीट के लेकर, उसको लेकर किस प्रकार का फुटेज जो आए थे उसमें, चूंकि क्लियर चीज़ नहीं दिख रही थी, मैंने फुटेज देखे थे, उसमें काफ़ी भीड़भाड़ थी, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मौके से जो जांच की जाएगी, मौके पर जाकर जो सिचुएशन थी उस चीज़ को देखते हुए आगे फिर उसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर किस प्रकार? आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के अभी महिला अधिकारी कहीं पेशी पर हैं, तो वो महिला अधिकारी आती हैं, तो उसके बाद उसमें गिरफ्तारी और आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी हैं इसमें? उसमें दो महिला, दो पुरुष आरोपी हैं। एक मिनट रुक रहे हैं, रोल बताइए, क्या मामला है? पूरा मारपीट का है, किसने करी मारपीट? ये क्या है, सिकंदर बाग में सिकंदर साहू रहता, आजाद कौन सा एक विकास नगर मूसा खेड़ी के पास जो आजाद नगर है, वहाँ एक सिकंदर साहू रहता है, उस और उनने बहुत आतंक मचा रखा है। हमने पहले भी DIG साहब को आवेदन दिया है इस मामले में, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने दो को बस महिलाओं को अपराधी बना के और रिपोर्ट दर्ज करवा दी, कायमी कर दी। लेकिन क्या है कि वो सिकंदर साहू, उसके दोनों बेटे, उसकी दोनों बेटियां, पत्नी, सबने इतना आतंक मचा रखा है कि आए दिन मोहल्ले की जो महिलाएं वो वहां से निकलती है तो उनके ऊपर थूका जाता है, उनको गाली गलौज दी जाती है। बेचारी महिलाएं मोहल्ले की बहुत परेशान और त्रस्त हो गई हैं, इसीलिए हम आज TI साहब के पास। क्या हुआ था, किसके साथ मारपीट हुई थी उस दिन? 6 जनवरी के दिन एक महिला है, ये टीना, टीना महिला है, उसके संग मारपीट हुई। लगातार आधे घंटे तक उसको बंधक बना के मारते गए, बहुत मारा उन्होंने। लेकिन जब उसकी माँ बचाने आई है मोहन भाई, तो उसको भी बुरी तरीके से मारा और उसको घायल कर दिया। महिला 70 वर्ष की है, जिनको घायल कर दिया है। तो उस दिन अब तुम इसकी शिकायत करी? हाँ, मैंने अभी आज नहीं, पहले की बताऊं। अभी क्या शिकायत करी? अभी TI साहब को शिकायत ये करी है कि जो भाई दो महिलाओं पे कायमी करी है, तो हम चाहते हैं कि दो महिलाएं और सिकंदर साहू का बेटा, सिकंदर साहू के खुद भी, इन सब की गिरफ्तारी होना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम बताइए? रीटा डागरे। क्या घटना हुई थी आप लोगों के साथ? उस दिन घटना हमारी दीदी के साथ हुई थी। ये जो विकास नगर में रहते हैं, उन लड़कों, उसके बाप ने, उसके दोनों बच्चों ने, सिकंदर शाह हैं, उनके दो लड़कियां हैं, दो लड़के हैं, और उसकी पत्नी छहियों ने इनके साथ मारपीट करी। आधे घंटे के इनको बंधक बनाकर रखा गया है और ये कचरा फेंकने गई थी, जिसमें दिखाया गया है, सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्डिंग भी हुई है। और इन्होंने TI साहब ने अभी अब तक कुछ लिया नहीं है एक्शन, बस बच्चियों पे लिया। वो लड़का है जो मार रहा है हम सबको डंडे से, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना उसके बाप पे लिया एक्शन,
हम ये चाहते हैं कि उन पर एक्शन लो आप। और वो रोशनी कोई किराएदार नहीं है, वो भी हमें धमकाती है कि तुम भी देख लो हमें हरिजन हूँ गाली दे। आपका नाम बताइए। मेरा अनिता राठौड़। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।